हेलो फ्रेंड्स, आपका द डेली स्पेशल में स्वागत है। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी चीज स्प्रिंग रोल। इसे आप सुबह शाम के नाश्ते में और पार्टी में स्टार्टर के रूप में बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। मैदा लिया है और सूजी ली है, इसका हम एक डो तैयार करेंगे। इसमें अब 2 टेबलस्पून घी ऑयल डालते हैं, अच्छे से भी मिला लेते हैं। सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया है, अब इसको लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। जब तक हमारा उधर डो फूल का तैयार होता है, तब तक हम यहाँ पे इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने इसमें कुकिंग ऑयल लिया है लगभग 1 बड़ा चम्मच। अब तेल को गर्म होने देते हैं। हमने इसमें ये चॉप्ड अनियन डाल दिया है, अब इसको ब्राउन होने तक भूनते हैं। नमक डाल देते ताकि ये जल्दी भून जाए। स्वाद अनुसार हमने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून नमक यूज किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। गरम गरम हो चुका है, अब इसमें हम ये मटर डाल देते हैं। एक 2 मिनट तक ढककर पकाते हैं ताकि हमारी मटर है सॉफ्ट हो जाए। हमारी मटर पक चुकी है, आधा नींबू का रस लगभग 2 चम्मच। मिल गए हैं, अब इसको हम 1/2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। सेट होने के लिए गैस की फ्लेम ऑफ करके 1 मिनट के लिए रख देते हैं। फिलिंग तैयार हो चुकी है, अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। स्प्रिंग रोल के लिए सीड्स तैयार करेंगे। इतनी सी दिया है साइज, इसको नॉर्मल आटे से बेल लेंगे। इसी तरह हम सारी बेल लेंगे। हमारी सीड्स बिल के तैयार हो रही हैं। ये मैंने इस साइज की बेली है और इनको इतना पतला बेला है जितनी नॉर्मल रोटियां होती हैं उतना ही पतला। अब इनको फिल करने के लिए तैयार करते हैं। चीज लगा देते हैं सबसे पहले। मसाला हमने तैयार किया था,
इस तरह से जो जो बना देंगे। इसी तरह दूसरे को भी कर लेते हैं। इसी तरह सारी तैयार कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए इसमें ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। हमारा तेल गर्म हो चुका है। इस तरह हमने सेकना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये हमारे सेक गए हैं, निकाल लेते हैं। तैयार है हमारे चीज स्प्रिंग रोल। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।